मोबाइल सुबह अभी हम लोग आए थे यहाँ पे, दिखाया फिर उन लोगों ने ऑपरेट किया और पहले से बहुत जो है काफी चीज़ें शॉक में, क्योंकि अभी आपको गोली निकाल दी गई है, सब कुछ फिलहाल। दोस्तों आप लोगों को बता दें, गोविंदा के हेल्थ की जो कि अपडेट सामने आ गई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गोविंदा के मैनेजर जो कि राशि सिन्हा ने समाचार एजेंसी जो कि NI को बताया है कि जो कि अभिनेता जो कि कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे और वहां वो अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर को जो कि केस में रख रहे थे और तभी जो कि उनके हाथ से जो कि बंदूक गिर गई और जो कि गोली चल गई। डॉक्टर ने जो कि गोली निकाल दी है और उनकी हालत ठीक है और वह अभी भी अस्पताल में हैं। मैनेजर ने जो कि ये भी कहा है कि जो कि ये भगवान की कृपा है, जो गोविंदा जो कि ही केवल पे पैर पे जो कि चोट लगी है और कुछ जो कि सीरियस नहीं हुआ है। आप लोगों को बता दें, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि इस घटना के समय जो कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा मुंबई में नहीं थी और ऐसे में जब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली तब वह तुरंत मुंबई के लिए निकल पड़ी और कहा जा रहा है कि जो कि अगले दिन 2 घंटे में वो पहुंच गई हैं। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोविंदा के जो कि नेटवर्क 151 करोड़ रुपए के हैं। गोविंदा के पास 3 घर हैं और एक घर जिनका नाम जल दर्शन है और उससे जो कि अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहते हैं। उनका एक घर जो कि मड जो कि आइलैंड में है, जिसमें वो जो कि फिल्मों की शूटिंग के लिए किराए पर देते हैं। आप लोगों को बता दें, गोविंदा के जो कि पैसों के मामले में जो कि वो भी टॉप पर हैं। हालांकि किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दें, कुछ सालों से लगातार खबर है कि गोविंदा को कई सारी फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे, गोविंदा की हाल ही में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। गोविंदा ने कहा कि मैंने 100 करोड़ की फिल्म को जो कि छोड़ दी और जब मैंने सब चीज़ें सोची तो मैं शीशे के सामने अपने गाल पर चांटा मार रहा था। फिलहाल गोविंदा की वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। फिलहाल गोविंदा की हेल्थ की अपडेट की बात करें तो बेटर है, फिलहाल गोविंदा ठीक है और उनके फैंस ने जो कि काफ़ी कामना भी की है तो उन्हें ठीक होना ही था। पहले से बहुत जो है काफी चीज़ें शॉक में, क्योंकि गोली निकाल दी गई है, सब कुछ हो चुका हुआ है।